केंद्र की मोदी सरकार के साथ तीन किसान विरोधी बिल वापसी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी बनाए जाने और किसानों पर आंदोलन के दौरान लादे गए प्रकरणों की वापसी हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अन्य मांगों पर दिए गए लिखित आश्वासन पर वादा खिलाफी के विरोध में मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आज स्थानीय अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को अपने मांग ज्ञापन के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने की बात कही है। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय किसान सभा के डीडी वासनिक, राजेंद्र जायसवाल, प्रकाश बर्डे, मोर्चा के अध्यक्ष पीआर इनवाती, पर्यावरण वाहिनी के ईश्वर सिंह राजपूत सहित दर्जनों की संख्या में किसान समर्थक उपस्थित रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता राजेश पटेल ने बताया कि आज संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों के माध्यम से जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना आंदोलन के साथ रोष पत्र सौंपा है। इसके पूर्व मोर्चा विश्वासघात दिवस मना चुका है। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। कानूनी गारंटी सप्ताह बनाने का निर्णय दिया गया है कि कानूनी गारंटी जो है एमएसपी के ऊपर दिया जाए और अन्यथा बहुत जोरदार आंदोलन होगा और आने वाले समय में जोरदार आंदोलन जो होगा उसमें शिवनी की भी भागीदारी होगी। शिवनी में भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किसान इस मांगों के समर्थन में बड़े पैमाने पे आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद। तीन काले कानूनों को वापस किया, मगर हमारी जो प्रमुख मांग एमएसपी को लेकर थी, जो पूरे आंदोलन के दौरान चलती रही, पूरा आंदोलन जब भी हुआ तो उसमें यही बोला गया कि साहब आप ये दुनिया भर की मंडी की व्यवस्था कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। किसानों ने कहा कि ये कुछ मत करो, आप हमको एमएसपी दे दो और एमएसपी का गारंटी दे दी, हम अपने घर चले जाते। सरकार ने आंदोलन को वापस किया और ये कहा कि हम एमएसपी पर भी बहुत जल्दी कानून बनाएंगे और कुछ समझौते उस दौरान जो हुए थे जिसमें किसानों को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।